मैं आज हर एक व्यक्ति को एक बार फिर जो आज की हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं सभी को मैं स्वागत करना चाहता हूं आज की इस प्रोग्राम में। जैसे हम पिछली दो बार आपको एंड टाइम्स के विषय में शिक्षा देते आए हूं और आज मैं आपसे रैप्चर के विषय में बातें करूंगा। जैसे हम देखते हैं हमारे पीछे ये जो चार्ट है गॉड्स प्रोफेटिक कैलेंडर, हम इस पे आज बातें करेंगे लेकिन हम पूरा तो नहीं कंप्लीट कर पाएगा। सिर्फ आज आपको रैप्चर के विषय में बातें करेगा और चर्च एज यार हम देखे यदि इस जगह पे कि जिसको हम कहते हैं चर्च एज, इस जगह पे आज हम रहते हैं हमारे जीवन यहाँ पे, इसके बाद में जो अगली घटना होने वाली है उसको हम कहते हैं रैप्चर। और ये चर्च एज का शुरुआत ये मैं आपको बतलाना चाहूंगा, खास तौर पे यदि हम आज उत्पत्ति की पुस्तक एक अध्याय चैप्टर 1 वर्स 26 को देखें, बाइबल कहती है जब परमेश्वर ने शुरुआत में इस सारे जगत का रचना किया, परमेश्वर ने संसार को 6 डेज में बनाया और 6,000 ईयर्स के लिए बनाया। मैं आपको इसको पिछले लेसन में बतला चुका हूं लेकिन मैं आज आपको ये बतलाना चाहूंगा कि बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 26 ये कहते हैं जब परमेश्वर ने दुनिया को रचा उसने मनुष्य का रचना किया, उसने कहा लेट देम हैव डोमिनियन ओवर ऑल थिंग्स ऑन दिस प्लैनेट अर्थ, लेट देम रूल ओवर ऑल थिंग्स। जब परमेश्वर ने मनुष्य का रचना किया और इस पृथ्वी में आदम को डाला, सभी चीज के ऊपर अधिकार दिया उसने कि तुम सभी चीज के ऊपर राज करेगा, तुम्हारे पास अथॉरिटी होगा, सभी चीज के ऊपर अथॉरिटी होगा, तुमसे बढ़ के कोई नहीं, तुम ही सभी चीज का नाम देगा। तो परमेश्वर ने आदम को या मनुष्य को अधिकार दिया तो रूल ऑन दिस प्लैनेट अर्थ, 6,000 ईयर्स के उसने बनाया इस दुनिया को, सो मनुष्य को परमेश्वर 6,000 ईयर्स के लिए इस पृथ्वी में रूल करने का अधिकार दिए। लेकिन अफसोस की बात, जबकि आदम ने इस अथॉरिटी को खो दिया जब उसने गुना किया, ये अथॉरिटी गुनाह से वो खो दिया और शैतान ने उस अथॉरिटी को छीन लिया उसको पागल बनाते हुए। उस दिन से लेके 4,000 ईयर्स तक मनुष्य के पास वो अथॉरिटी नहीं, वो पावर नहीं जो परमेश्वर ने उनको दिया था, क्योंकि मनुष्य ने खो दिया। और ये अथॉरिटी हम खो सकते हैं अनक्लीननेस या अनहोलीनेस या पाप के द्वारा। तो जब आदम ने पाप किया तब उसने अथॉरिटी खो दिया, लेकिन बाइबल कहती है कि अभी से लेके 2,020 ईयर्स पहले के बाद जब यीशु आया, मनुष्य के पाप के बोझा को लेके वो क्रॉस के ऊपर टांगा गया, उस क्रॉस पे उसने मनुष्य के पाप के दाम को चुका दिया और तब वो इस पृथ्वी के नीचे गया और शैतान से कहा हे शैतान, तुमने आदम से जो अधिकार छीन लिए है वो मुझे वापस कर दे, क्योंकि मनुष्य के पाप का दाम में चुका के आया। और यीशु शैतान के हाथ से वो कुंजियां, वो अथॉरिटी, वो पावर जो बुक ऑफ जेनेसिस में परमेश्वर ने आदम को दिया था वो शैतान के हाथ से छीन के कब्र के बंधन को तोड़ता हुआ वो जीवित बाहर निकला और उसने कहा ऑल पावर इज गिवन अनटू मी देयरफॉर आई गिव इट अनटू यू, सभी चीज का अधिकार मुझे दिया गया लेकिन ले ये अधिकार मैं तुम्हें देता हूं, यानी कि सभी मनुष्य को वो अथॉरिटी फिर से लाके लौटा रहा, सभी चीज के ऊपर अधिकार मनुष्य को फिर से दे दिया। तो वहां से ये चर्च एज का शुरुआत हुआ। उससे पहले जो उम्र था पीछे ओल्ड टेस्टामेंट में वो मनुष्य ने खो दिया,
लेकिन यीशु को क्रॉस पे कुर्बान होने के बाद ये 2020 ईयर्स हो गया अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार, और यीशु ने यह अधिकार हमें वापस दिया टू रूल ऑन दिस प्लैनेट अर्थ, लेकिन सिर्फ वही रूल कर सकते हैं जिसका जीवन पवित्र है। सब कोई रूल नहीं कर सके, पाप करके हम रूल नहीं कर सके। आज हम देखते हैं जब दुष्ट आत्मा किसी के ऊपर सवार होती है, अब उसको डांटते हैं, कहते हैं घुटना टेको, घुटना टेकता है, निकल जाओ, निकल जाता है। क्या हमारे पास अधिकार है, हम अपना अथॉरिटी को एक्सरसाइज करते हैं और हमें हमें वो पालन करता है। लेकिन सभी कोई शैतान को आज्ञा नहीं दे सकता। यदि हम खुद शैतानी पना करें तो शैतान के ऊपर अधिकार नहीं है, हमें उसके लिए पवित्र होना है। तो ये अथॉरिटी आज मनुष्य के पास है, मनुष्य को प्रभु ने दिया है। लेकिन ये जो उम्र है ये अपने समाप्ति पे आती है, चर्च एज, ये चर्च एज, ये 2020 ईयर्स हो चुका, उससे पहले 4000 ओल्ड टेस्टमेंट में हो चुका था, तो कुल मिला के 6000 हो चुका है और हम इसको समाप्ति पे रहते। इसलिए रैप्चर होने वाला, जिस दिन रैप्चर होगा, जिस दिन यीशु आएगा अपने पवित्र लोगों को ले जाने के लिए, उस दिन मनुष्य के रूल ऑन दिस प्लेनेट अर्थ समाप्त हो जाएगा, तब दूसरा युग का शुरुआत होगा। हम और तुम कल युग में रहते हैं, और आज कई लोग ऐसे कहते हैं कल युग में कलंकी अवतार होगा और वो आएगा मनुष्य को छुटकारा देने के लिए। मैं आपको बताना चाहूंगा, कई लोग आज बोल रहे हैं कलयुग में कलंकी अवतार हो चुका है, और वो कलंकी अवतार यीशु मसीह है, क्योंकि जब यीशु पैदा हुआ मरियम को लोगों ने कलंक का टीका लगाया, बोला कि ये कुमारी के द्वारा बच्चा पैदा हुआ, उसको एक कलंक का टीका लगा, क्योंकि कलंकी अवतार हुआ, कलयुग का अवतार ना। ये मैं इस पे बहुत बातें नहीं करना चाहूंगा, हिंदुस्तानी के बिलीफ के अनुसार जितना भी हिंदी लिसनर्स या हिंदुस्तानी लोग आज मैं सुन रहे हैं, मैं आपको बतलाना चाहूंगा, हम अभी भी अगोर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बतलाना चाहता है कलयुग का अवतार यीशु मसीह है और हमें उसने सभी चीज को अधिकार दिए है। लेकिन अब वो समय आया कि कलयुग खत्म होता है और दूसरा युग का शुरुआत होगा रैप्चर के बाद, और रैप्चर के बाद जो युग शुरुआत होता है उस वो युग को हम कहते हैं ट्रिब्यूलेशन। ट्रिब्यूलेशन के मतलब है पीड़ा। ये युग पीड़ा का युग होगा और ये सबसे छोटा युग होगा, इसका उम्र है 7 years, 7 साल के युग है, और ये युग का राजा स्वयं शैतान होगा, यीशु का विरोधी, और वो लोगों को बहुत ही पीड़ा देगा। इसलिए प्रभु आता है हमें और तुम्हें ले जाने के लिए। जब तक प्रभु ना आ जाए, जब तक हमें और तुम्हें ना ले जाए, जब तक चेच है यहां पे, तब तक शैतान राज नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य के पास अथॉरिटी है। इसलिए हम आज रूल करते हैं उसके ऊपर, बल्कि जब परमेश्वर के पवित्र लोग उठा लिए जाएंगे तब वे लोग छूट जाएंगे जो शैतानी पना कर रहे हैं, और तब शैतान के राज में वे रहेंगे और शैतान उन्हें सताएगा। तो मैं आज आपको बतलाना चाहूंगा कि अगली जो घटना होने वाली है उसको हम कहते हैं रैप्चर, और यीशु मसीह शीघ्र आएगा और अपने लोगों को ले जाएगा। ना बाइबल ये कहती है रिवेलेशन के पुस्तक 16:15 में कि जब यीशु आएगा वो चोर की नाई आएगा। जैसे चोर आता है, किसी को मालूम नहीं चोर कब आता है, चोर कभी बताए के नहीं आता है, वो चुप्पे से आता है, इसी प्रकार यीशु आएगा एक चोर की नाई, चुप्पे से आएगा। लेकिन उसने हमें और तुम्हें चिन्ह दिया है, जिस चिन्ह के विषय में मैं आपको पिछले लेसन में बतला चुका हूं। आज मैं इस रैप्चर पे आपसे बातें कर रहा हूं। रैप्चर जो शब्द है वो बाइबल में हमें नहीं मिलती, लेकिन रैप्चर जो शब्द है ये सब लैटिन भाषा से ली गई है, और लैटिन भाषा में इसको रापियो कहते हैं। रापियो के मतलब यदि हम ढूंढे तो कुछ ऐसे कहते हैं, टू बी सीज बाय फोर्स, to be forcefully removed from earth, or the act of transporting from one location to another, to be transplanted
फ्रॉम अर्थ टू हेवन, या दूसरे रूप से कि अचानक गायब हो जाना, अचानक एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाना, उसको कहते हैं रैप्चर, या अचानक कोई चीज गायब हो जाना। तो आज यदि हम बाइबल में देखें फर्स्ट कुरिन्थियों के पुस्तक में चैप्टर 15 वर्स 51 से 53 में बाइबल हमें कहती है रैप्चर कैसे होगा। जब रैप्चर होगा अचानक बाइबल कहती है जैसे आंख पलक मारती है, आंख हमारा जो पलक मारती है कैसे मारती है, कितना देरी लगता है, खुलती और बंद होती है हमारी आंख एक ही सेकंड्स में, बिल्कुल इसी प्रकार एक ही सेकंड्स में यीशु आएगा, अचानक आएगा और उसके जो लोग हैं जो तैयार है उससे मिलने के लिए वे अचानक गायब हो जाएंगे और प्रभु से मिलने के लिए ऊंचे आकाशों में उठा लिए जाएंगे। या दूसरे रूप से धर्मशास्त्र कहती है जैसे बिजली चमकती है इस छोर से उस छोर जाती है कितना देर लगता है, एक ही सेकंड्स में बिजली चमकती है इस एंड से उस एंड चली जाती है। इसी प्रकार यीशु का आना हो गया, अचानक आएगा। ना फिर बाइबल कहती है फर्स्ट थेसलोनियन के पुस्तक चैप्टर 4 वर्स 16 से 18 में कि यीशु जब आएगा इस रक्षा में बड़े ही शोर गुल के साथ में आएगा, बड़े ही शोर गुल के, ये जो शोर होगा जैसे कोई कोई जब कोई व्यक्ति कोई टूर्नामेंट जीत जाए तो शोर मचा, क्या ये शोर विक्ट्री का शोर होता है, इसी प्रकार यीशु आएगा एक विजेता का शोर गुल के साथ में, ये हल्ले के साथ में आएगा। फिर बाइबल कहती विद ए वॉइस ऑफ एन आर्च एंजल एंड विद ट्रम्पट, ट्रम्पट साउंड के द्वारा आएगा और स्वर्ग दूतों की आवाजों के साथ में शोरगुल के साथ में आएगा, लेकिन एक ही सेकंड्स में मसीह लोग जो तैयार है उससे मिलने के लिए बादलों पे उठा लिए जाएंगे। या फिर बाइबल कहती है एंड द डेड इन क्राइस्ट विल राइज, वे सबसे पहले वे जो मसीह यीशु में गुजर चुके हैं उनका कब्र खुलेगा और वे उठाए जाएंगे यीशु से मिलने के लिए बादलों पे। मैं आज आपको बताना चाहता हूं आज जब एक व्यक्ति गुजरता है मसीह में वो तुरंत ही परमेश्वर के राज्य में होता है, जैसे कि बाइबल कहती है एब्सेंट फ्रॉम द बॉडी इज टू बी प्रेजेंट विद द लॉर्ड। तो आज जो कोई भी प्रभु यीशु मसीह में मरता है वो तुरंत ही परमेश्वर के राज में जाता है और वो राज करने लेता है लगता है, लेकिन वो अपनी आत्मा अपने प्राण अपने सोल अपने स्पिरिट के द्वारा प्रभु के राज में होता है, उसका देह कब्र में है। जिस दिन रैप्चर होगा जितना भी सेंट्स जो गुजर गए हैं वे सब यीशु के साथ में रैप्चर में आएंगे, औरन जब आएगा तो औरन जाएगा और उनके प्राण उनके सोल उनका स्पिरिट उस कब्र में जहां पे वे दफनाए गए और तब वो कब्र खुलेगा और वे जब जी उठेंगे तो वे अपने शरीर से जा मिलेंगे, उनका शरीर जी उठेगा, लेकिन वो शरीर जो दफनाया गया वो शरीर नहीं होगा। बिल्कुल इसी प्रकार जैसे आज हम लगते हैं देखने में उसी प्रकार होगा, लेकिन वो ग्लोरिफाइड बॉडी होगा या महिमा से भरा हुआ देह होगा या जिसको हम कहते हैं अविनाशी शरीर। आज हम जिस शरीर में रहते हैं ये नाशवान शरीर है, इसलिए नाश हो जाता है, एक दिन ये मर जाता है, इसे कब्र में दफनाई जाती है, लेकिन जब रक्षा में वो जी उठेगा तब ये शरीर दूसरा शरीर का धारण करेगा और उसको हम कहते हैं अविनाशी शरीर, या हम दूसरे रूप से मोर्टलिटी विल पुट ऑन इमोर्टलिटी। तो हम अविनाशी शरीर को लेके निकलेंगे, ये जो गुजर गए हैं ये कब्र खुलेगा उनको और वे प्रभु से मिलने के लिए आकाशों में उठाए लिए जाएंगे, और वो जो जीवित है हम और तुम जो जीवित है हम और तुम का शरीर उसी समय बदल जाए, ये शरीर हेवन नहीं जा सकता, मांस और लहू हेवन नहीं
नहीं जा सकती, इसलिए बदल जाए। ये बदल के अविनाशी शरीर होगा और एक ही सेकंड्स में बदलेगा और ये प्रभु से मिलने के लिए चले जाए। तो हम और तुम जब यीशु से मिलने के लिए जाएगा, वो शोरगुल के साथ में आएगा, लेकिन इस संसार के लोग को पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि उनको एको शोरगुल सुनाएगा नहीं, उनको ट्रम्पट नहीं सुनाएगा, उनको एंजल की आवाज नहीं सुनाएगा, वे नहीं जाने क्या हुआ। सिर्फ हम जो शरीर बदल गया, हम और तुम देखेगा, वो ट्रम्पट की आवाज सुनेगा, यीशु को बादलों में देखेगा और स्वर्ग दूतों के साथ में आते हुए देखेगा, क्योंकि हमें अविनाशी शरीर मिलेगा, हम स्पिरिट वर्ल्ड को देख सकेगा और हम और तुम प्रभु से मिलने के लिए ऊंचे आकाश में उठा लिए जाएंगे। तो वे लोग जो अविश्वासी हैं या वे जो छूट जाएंगे इस पृथ्वी में, वे नहीं देखेंगे ना। बाइबल हमें कहती है कि रैप्चर, ये बाइबल में सात प्रकार की रैप्चर है, सेवन टाइप्स ऑफ रैप्चर, इसमें से तीन रैप्चर हो चुका है और चार बाकी है, और हम और तुम जो चौथा रैप्चर है उसमें जाने वाले हैं। लेकिन ये जो रैप्चर होने वाली है ये बहुत ही अजीब है, सभी रैप्चर से अलग है। यदि हम धर्मशास्त्र देखें, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 5 वर्स 21 से लेके 24 में बाइबल हमें कहती है, अभी से लेके 5200 ईयर्स पहले की बात, जब इनोक का रैप्चर हुआ था, वो मरा नहीं बल्कि ऊंचे आकाशों में उठा लिया गया। फिर बाइबल हमें सेकंड किंग्स चैप्टर 2 वर्स 8-12 में कहती है, अभी से लेके 3500 ईयर्स पहले की बात, जब एलाइजा का रैप्चर हुआ था, जब हेवन से चैरियट ऑफ फायर आया और एलाइजा उस चैरियट ऑफ फायर के ऊपर सवार हुआ और ऊंचे आकाशों में उठा लिया गया। फिर बाइबल में की थी, अभी से लेके 2020 ईयर्स पहले के बाद, बुक ऑफ एक्स चैप्टर 1 वर्स 9-11 में, जबकि हमारा प्रभु यीशु मसीह कब्र के बंधन को फाड़ के जीवित बाहर निकला, उसके बाद में अपने चेलों के साथ में था और एक पहाड़ के ऊपर से अचानक ऊंचे आकाशों में उठा लिया गया, और उसने कहा अपने चेलों से, देख मैं जा रहा हूं, जिस रास्ते से मैं जा रहा हूं इसी रास्ते से मैं फिर वापस आऊंगा तुम्हें ले जाने के लिए, ताकि मैं जहां रहूं वहां तुम भी रहे। तो ये तीन रैप्चर हो चुका है और ये रैप्चर अलग अलग था, लेकिन ये जो रैप्चर हमारे समय में जो होने वाली है, और वो किसी भी समय होगा, क्योंकि उसके जितने भी चिन्ह हमारे आंख के नजर के सामने पूरी हो रही है। तो ये रैप्चर जब होगा, फर्स्ट थेसलोनियन चैप्टर 4 वर्स 13 और 14 के अनुसार, जो मसीह यीशु में सो गए हैं या जो मर चुके हैं, उनका कब्र खुलेगा और वे प्रभु से मिलने के लिए चले जाएंगे। फिर बाइबल हमें फर्स्ट कोरिन्थियों के पुस्तक चैप्टर 15 वर्स 42 से 54 में, फिलिपियंस 3:20 से लेके वर्स 21 में बाइबल ये कहती है, जो मसीह यीशु में जिएंगे, जो तैयार है यीशु से मिलने के लिए, जो अपने वस्त्र को धो के साफ कर चुके हैं, प्रभु उनको लेके जाएंगे, या कि जो जी रहे हैं, जो इस पृथ्वी में जीवित है, वे उठा लिए जाएंगे यीशु से मिलने के लिए। उस दिन बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं होंगी, ऐसा घटना ना कभी हुआ और फिर ना कभी होगा, जैसे कि अभी ये हाल ही से जो हमारे बीच में एक कोरोना वायरस चल रही है, इस वायरस में लोग यही बात कर रहे हैं, लोग ये कहते हैं ऐसा वायरस हमने कभी नहीं देखा, कि सारा दुनिया को हिला दिया है इसने, ये वायरस सिर्फ हमें रैप्चर के 1% दिखलाती है। बिल्कुल इसी प्रकार जब रैप्चर होगा, लोग कहेंगे ऐसा घटना मैंने कभी नहीं सुना, ऐसा घटना मैंने कभी नहीं देखा, जो आज हमने देखा, जो छूट जाएंगे उनके लिए। धर्मशास्त्र से कहती है कि दो स्त्री चक्की पीसती होगी, एक उठा लिए जाएगा और एक छूट जाएगा। ना ये पुराने दिनों के रूप से बाइबल बातें करती है, चक्की पीसती, या ये आजकल के नौजवान नहीं समझते हैं चक्की पीसना क्या है। दूसरे रूप से ये पुराने लोग से पूछे, या गांव में आपको चक्की मिलेगा, गांव में चक्की होती है,
दो पत्थर होता है, एक के ऊपर दूसरा पत्थर, और इसको स्पेशल रूप से बनाया जाता है। एक पत्थर में हैंडल लगा होता है, फिर उसके बीच में होल होती है और उसमें अभी अनाज डालते हैं और उस चक्की को घुमाते हैं और उस अनाज को पीसते हैं। तो नाना प्रकार से वे चक्की को इस्तेमाल करते हैं। या दूसरे रूप से हम उसको अभी के रूप में कहे तो दो जन मशीन ऑपरेट करता होगा या अपने फैक्ट्री में कुछ बनाता होगा, उसमें से एक उठा लिया जाएगा और एक छूट जाएगा, और वो जो छूट जाएगा वो अचानक देखेगा, अरे भाई ये कहां चला गया, अभी तो यही रहा, कहां चला गया। उसके लिए एक अजीब चीज होगा, और उस दिन बड़ी बड़ी घटनाएं होगी, क्योंकि बड़े बड़े दफ्तरों में ऑफिस में काम करने वाले लोग हैं, आधे लोग चले जाएंगे आधे रह जाएंगे, और अचानक से वापस में बात करेंगे, अभी तो यही रहा, कहां चला गया, ये सारे लोग कहां चले गए। लोगों में एक हलचल सा मचेगा, या वो सिस्टर वो बहन अपने किचन में भोजन बनाती रहती हो, वो तेल छोड़ के और फिर उसमें फौरन डालती है, जैसे वो फौरन पकाती है वैसे ही रैप्चर हो गया और उठा लिए जाएगी, वो आग बढ़ता रहेगा, थोड़ी देर में वो फौरन जलेगा, थोड़ी देर में वो तेल में से धुआं निकलेगा, थोड़ी देर में उस तेल में आग पकड़ेगा, वो हंडी दगेगा, गैस स्टोव दगेगा और सारा घर में आग लग जाएगा। वो बहन जो अपना कपड़ा आयन करती होगी, अचानक यीशु आएगा और वो उठा लिया जाएगी, उसका आयन उस कपड़े के ऊपर रखा रहेगा, थोड़ी देर में वो कपड़ा सुलगेगा, उसमें से धुआं निकलेगा, थोड़ी देर में उसमें आग लगेगा और आयन दगेगा और सारा घर में आग लग जाएगा, और लोग फायर ब्रिगेड को कॉल करेंगे, लेकिन दंग हो गए इससे कि फायर ब्रिगेड में जितने लोग काम करने वाले उसमें से कई फायरमैन नहीं है, क्योंकि वे सब उठा लिए गए। ये फायर ब्रिगेड कोई भी आग लगी हुई घर किसी भी कोई केस अटेंड नहीं करेगा, क्योंकि उनमें घबराहट होगी, जो लोग बचेंगे उनमें घबराहट होगी, क्योंकि एक साथ में थाउजेंड्स ऑफ कॉल आएगा, यहां आग लगा, वहां आग लगा, वहां आग लगा, कहां जाए वो। दूसरी चीज, फायरमैन मिसिंग है। ऐसा घटना ना कभी हुआ और ना कभी होगा। वो बस ड्राइवर जो क्रिश्चियन बस ड्राइवर अपना बस को लेके जाता रहेगा और अचानक रैप्चर होगा, वो बस ड्राइवर उठा लिया जाएगा, सवार पैसेंजर वो बस कहां जाएगा, वो सिस्टर जो अपनी गाड़ी चलाती होगी अपने काम पे जा रही है और अचानक यीशु आएगा, रैप्चर होगा और वो ड्राइवर के सीट पे से उठा ले जाएगी, उसका गाड़ी कहां जाएगा। इसी कारण कई सड़क दुर्घटनाएं होगी, कई लोग मारे जाएंगे, और दुनिया भर से एक खबर आएगी, इतना एक्सीडेंट हुआ है, ट्रैफिक जेम है वगैरह वगैरह। वो पायलट जो ऊंचे आकाशों में अपना प्लेन उड़ाता रहेगा और अचानक यीशु आएगा और वो पायलट बादलों में से बादल पे यीशु से मिलने के लिए चला जाएगा, कहां जाएगा वो प्लेन। कई प्लेन क्रैश होगा उस दिन, कई घटनाएं होंगी, कई लोग मारे जाएंगे। वो जो ट्रेन ड्राइवर ट्रेन चलाता होगा अचानक यीशु आएगा और ट्रेन ड्राइवर उठा लिए जाएगा और वो ट्रेन जाके और भी अनेक ट्रेन से टकराएगा। वो फेरी जिसमें लोग सवार समुद्र में, उसके कैप्टन उठा लिए जाएगा, वो नाव कहां जाएगा। इसी कारण दुनिया भर में घटनाएं होगी और लोगों में हलचल सा मचेगा, टीवी में न्यूज आएगा, और उस दिन कोई भी टीवी प्रोग्राम में कोई और चीज नहीं चलेगा, सिर्फ न्यूज ही चलेगा, और न्यूज में यही बताया जाएगा कि कोई ऐसा घटना हुआ है कि हमारे दुनिया में से मिलियंस ऑफ लोग गायब हैं, कहां चले गए वे, सभी जगह काम करने वाले लोग गायब हैं।
दुनिया में मिलियंस ऑफ लोग गायब है, कहां चले गए हुए, और लोगों में ये हलचल मचेगी। छोटे बच्चे लोग, छोटा बेबी से लेके वो उम्र ले, मैं भी 6 साल 7 साल 8 साल के बच्चे जिनमें पाप का कोई ज्ञान नहीं, वे उठा लिए जाएंगे। अविश्वासी के बच्चे भी, क्योंकि उनमें पाप का ज्ञान नहीं, रक्षा में वे भी उठा लिए जाएंगे। और उनकी मां उनके बाप खोजेगा, मेरा बेटा कहां गया, अभी तो यही था, अभी तो हम ट्रोली में लेके जा रहा था, कहां चला गया, गायब हो गया, अभी तो मेरी कोर्ट में खेल रहा, कहां चला गया। लोग अपना छाती पीटेंगे, कहां चला गया मेरा बच्चा, वे रक्षा में उठा लिए जाएंगे। वो सज्जन जो हॉस्पिटल में पेशेंट का ऑपरेशन कर रहा है, आधा पेट चीर दिए, रक्षा होगा और उठा लिए जाएगा, वो सज्जन चला जाएगा, वो पेशेंट आधा पेट चिरा ही पड़ा रह जाएगा। ऐसे से अनेक से घटनाएं होगी, वो नेस जो किसी के सुई मार रही है, वो सुई भीतर ही हो चली गई, और न्यूज आएगा दुनिया भर में कि मिलियंस ऑफ लोग गायब है। और फिर ये बतलाया जाएगा, ये जो लोग गायब है, ये सब क्रिश्चियन लोग थे, ये सब मसीह लोग थे, वे गायब हैं। और फिर न्यूज ये भी आएगा कि कई कबर खुला हुआ है, और जितने के कबर खुला है वे सब क्रिश्चियन कबर था, ये क्रिश्चियन लोग का कबर था। और तब वे चर्च आएंगे, मीडिया आएगी चर्च खोजने के लिए, कोई है चर्च में, पादरी के घर पे जाएगा, दे पादरी आए घर पे क्या, और जब चर्च आएगा तो उनको कोई लोग मिलेगा वहां जो छूट गए, जो क्रिश्चियन छूट गए हैं, उनमें हलचल मचेगा और वे दौड़ेंगे कॉल करेंगे, लेकिन सबके फोन जैम होगा, क्योंकि लाइन थ्रू नहीं होगा। जैसे आपने एक्सपीरियंस किया हो, जब कोई कोई बड़ी घटनाएं होती है तो फोन जैम हो जाती है, सुनामी के समय में जैसे, इसी प्रकार से लोग कांटेक्ट करना चाहेंगे एक दूसरे मसीह को, लेकिन फोन नहीं चलेगा। वे जो छूट गए वे दौड़ेंगे, बोले चलो चर्च है, और वो चर्च आएंगे तो चर्च में भी कोई नहीं, पादरी के घर में जाएगा वो भी नहीं, ये लोग अपना छाती पीटेंगे, हाय हाय हम नहीं सोचा कि अभी रैप्चर हुई। और तब मीडिया उनको खोजेगा जो लोग छूट गए मसीह लोग, और उनको लेके आएंगे टीवी स्टेशन में उनके इंटरव्यू लेने के लिए, और उनसे पूछा जाएगा कि ये जो घटनाएं हुई है ये सब हमने सुना था कि किसी ने कभी कहा था कोई चीज ऐसा होने वाला है, यीशु आने वाला है और रक्षा होने वाला, ऐसे कुछ चीज हमने सुना था, ये क्या है। और तब ये मसीह लोग बताएंगे वास्तव में ये रक्षा जैसे हम इतने दिन से सुनते आए वही घटना हुआ है, और वे लोग चले गए। तो मीडिया उनसे पूछेगा तुम भी तो क्रिश्चियन रहा, तुम काहे छूट गए, तुम काहे नहीं गए। तब वे खुल्लम खुल्ला बता दें इसलिए हम छूट गए क्योंकि हम चुप्पे चुप्पे लुक लुक के आड़ पाप करता रहा, वही गुना के मजा लेता रहा, हम नहीं सोचा रहा कि इतना जल्दी भी रक्षा हो जाए, इसलिए हम छूट गए। तो प्यारे लोगों मैं आज आपको बतलाना चाहूंगा ये घटना हमारे बीच में घटने वाली है, और तुम अभी तैयार हो ताकि आप छूटने ना पाओ। जो छूट जाएगा उनको दूसरा युग में जाना पड़ेगा, ट्रिब्लेशन जो 7 साल का है, और ये पीड़ा का युग है, और युग ऐसा है जैसा पीड़ा इस दुनिया में कभी नहीं आया, वैसा पीड़ा इस दुनिया में आएगा। मैं उस पीड़ा के युग के विषय में आपको अगले सप्ताह बतलाऊंगा, लेकिन मैं आज आपको बतलाना चाहूंगा कि जब ये रैप्चर होगा, ये चर्च एज खत्म होता है, मनुष्य का जो अथॉरिटी टू रूल ऑन दिस प्लेनेट अर्थ ये खत्म होता है, 6,000 years
खत्म होता है, फिर दूसरा युग का शुरुआत होता है। इसलिए जो परमेश्वर के लोग हैं इस रैप्चर में उठा लिए जाएंगे, सेंट्स विद क्राइस्ट इन हेवन, हम और तुम यीशु के साथ में हेवन में रहेंगे। कितना दिन? हम और तुम हेवन में यीशु के साथ में 7 साल तक रहेंगे, 7 years। हम और तुम हेवन जाएगा 7 years के लिए, और 7 years इस पृथ्वी में पीड़ा का युग होगा। तो इस 7 years के लिए हम लोग जो हेवन में रहेगा, इस 7 years में 2 मुख्य चीज होती है। लेकिन यदि आपके मन में यदि बात गुजरी कि क्यों हम खाली 7 साल के लिए बन जा रहे, मैं आपको बताना चाहूंगा ये 7 years। लेकिन उसके बाद में क्या होगा हेवन में, मैं आज नहीं आपको बतला सकता हूं क्योंकि हमारे पास उतना समय नहीं, उसको हम नेक्स्ट वीक आपको बतलाएंगे। सो आप धीरज से इंतजार करें, बल्कि आज मैं आपको बतलाना चाहूंगा इस 7 years में हेवन में क्या होगा। पहला चीज, जब दूल्हा आता है और दुल्हन को विवाह करके लेके जाता है अपने घर, तो उसके घर पे क्या होता है? उसके घर पे एक पार्टी होती है, एक भोज होता है, भीड़ इकट्ठा होती है। बिल्कुल इसी प्रकार हमारा दूल्हा यीशु मसीह जब आएगा, हम और तुम उसके दुल्हन हैं, और हमें और तुम्हें जब वो लेके जाएगा तो हेवन में एक पार्टी होगी। और उसको बाइबल हमें रिवेलेशन के पुस्तक में चैप्टर 19 वर्स 9 ये कहते हैं, द मैरिज सपा ऑफ द लैम्ब। ये मैरिज सपा ऑफ द लैम्ब है, और यहां पे जो भोज होगा मैं उसके जिक्र नहीं कर सकता, मैं उसके विषय में बतला नहीं सकता, क्योंकि हम अच्छी तरह से जानते हैं वो बिरयानी नहीं होगा, ना पलाव होगा, ना पिजन लोबो होगा, बल्कि वो स्वर्ग दूत के हाथों से बनाया हुआ भोज वहां पे होगा, जिसके विषय में हमने आपको नहीं सके बताया किस प्रकार का भोजन होगा। तो वो भोजन होगा, उसको मैरिज सपा ऑफ लैम में हम और तुम भाग लेंगे। लेकिन दूसरा चीज, दूसरा मुख्य चीज, मसीह लोग का न्याय होगा। मसीह लोग का न्याय होगा, और जिस जगह पे मसीह लोग का न्याय होगा उसको कहते हैं द जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट। जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट, वहां पे मसीह लोग का न्याय होगा। न्याय ये अविश्वासियों का न्याय नहीं, सिर्फ मसीह लोग का न्याय है। अविश्वासियों के न्याय यहां से लेके रैप्चर के बाद में 1007 years बाद अविश्वासियों का न्याय होगा। उसको कहा जाता है द ग्रेट वाइट थ्रोन जजमेंट। फिलहाल जो मसीह लोग गुजरते हैं और प्रभु के राज में जाते हैं उनका भी न्याय नहीं होगा, वो प्रभु के राज में राज करते हैं, लेकिन रक्षा के बाद में सभी का न्याय है। तो मैं आज आपको बतलाना चाहता हूं ये जो जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट में हमारा और तुम्हारा न्याय होगा। कई बार लोग ऐसे सोचते हैं कैसे होगा न्याय, कैसे परमेश्वर हम लोग को पूछेगा सब पाप, कौन सी पाप करा कौन सी नहीं वहां पर दिखाया जाएगा। मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि पाप का न्याय नहीं होगा, क्योंकि हम और तुम जब प्रभु के राज में जाएंगे हम ऑलरेडी यीशु के लहू से धुल के साफ होके जाएंगे, हम पवित्र बन के जाएंगे, यीशु के लहू से धुल गए। इसाया 43 के अनुसार बाइबल हमें कहती है कि प्रभु जब हमें माफ करता है तो हमारी गुनाहों को भूल जाता है और उसको स्मरण नहीं करता है, उसको फिर याद नहीं करता है। परमेश्वर वैसे कोई चीज भूलता नहीं है, लेकिन एक ही चीज भूलता है, जिस चीज को यीशु के लहू धो देता है उसको वो भूल जाता है, और कोई चीज वो नहीं भूलता। तो मैं आज आपको बतलाना चाहता हूं ये हमारा और तुम्हारा वो भाग है कि यीशु के लहू हमारे अपने लहू से हमारी गुनाह को जब धोता है, ऐसा धोता है कि उसको फिर कोई परमेश्वर उसका स्मरण नहीं करता, उसको याद भी नहीं करता है। तो क्या होगा न्याय, कैसा होगा? बाइबल हमें फर्स्ट कोरिन्थियों के पुस्तक में चैप्टर 3 वर्स 12-15 में हमें यह बतलाती है। मैं इसमें से कुछ पढ़ना चाहूंगा, कुछ छोड़ देना चाहूंगा, खास चीजें मैं पढ़ना चाहूंगा। सम विल यूज गोल्ड और सिल्वर और प्रेशियस स्टोन इन बिल्डिंग ऑन फाउंडेशन, अदर्स विल यूज वुड और ग्रास
stew or dry grain, and the quality of each person's work will be seen when the day of Christ is exposed. When the day of Christ exposes it. For on that day, fire will reveal everyone's work. But if anyone's work is burnt up, then he will lose it. But he himself will be saved as if he had escaped through the fire. Now, Bible यहाँ पे कहती है कि हमारा जो judgment है, हमारा जो न्याय है, वो सोने के ताज हमें दिया जाएगा पहनने के लिए. हमारे सर में यीशु मसीह सोने का ताज पहनाएगा, सिल्वर का ताज पहनाएगा और प्रेशियस स्टोन का ताज पहनाएगा. तो हमें जो जजमेंट है हमारा, ये ताज के द्वारा होगा, हमें ताज पहनाया जाएगा. बल्कि कुछ कुछ लोगों के इनाम क्या होगा, बाइबल कहती है कुछ कुछ लोग लकड़ी का काम किए हैं, कोई घास का काम किए हैं, कोई सूखे गेहूं का काम किए हैं. तो हम और तुम जब हेवन जाएगा, हम और तुम अपने साथ में कोई चीज लेके नहीं जा पाएगा, ना सोना, ना चांदी, ना पैसा, ना धन दौलत, ना नया मोटर, ना नया गाड़ी या बिल्डिंग, हम ये सब लेके नहीं जाएगा हेवन. हम एक ही चीज लेके जाएगा हेवन, एंड दैट इज योर वर्क्स. तुमने जो किया है इस पृथ्वी पे वही लेके जाएगा. तो उसी के अनुसार हम लोग का न्याय होगा, उसी के अनुसार हम लोग को ताज दिया जाएगा. तो बाइबल हमें कहती है, मैं आपको बतलाना चाहूंगा दो तीन प्रकार के क्रिश्चियन होते हैं. एक क्रिश्चियन है जो बिल्कुल पवित्र जीवन जीता है. ना ये जो क्रिश्चियन है, इसके जीवन में जो प्रभु के उतना करीब आ चुका है, जो प्रभु को अपने क्षेत्र से पहचान लिया है, जो सिर्फ प्रभु के लिए जीता है, जो सचमुच में अपना सब कुछ सरेंडर कर दिया है, उनको एक अलग रूप का क्राउन दिया जाए. लेकिन कुछ कुछ मसीह ऐसे होंगे वहां पे जिसको हम कहते हैं स्ट्रगलिंग क्रिश्चियन. वो मसीह जो स्ट्रगल करता है, वो पाप नहीं करना चाहता है, लेकिन वो कोशिश करता है कि वो पाप नहीं करे. फिर अचानक से उससे गलती हो जाती है, और जब गलती हो जाती है, वो अपना छाती पीटता है, हे प्रभु मुझसे गलती हो गया, मुझे माफ कर दे, लौट के हम याला काम नहीं करें. तो वो व्यक्ति कोशिश करता है कि वो पाप ना करे, भले उससे गलती हो जाती है, वो पछताता है. जैसे बाइबल कहती है, righteous man shall fall 1,000 times, but he will arise. धार्मिक व्यक्ति 1,000 बार भी गिरेगा, लेकिन वो उठेगा. यदि आपके अंदर में धार्मिकता है, प्रभु के लिए भूखा है, तो आप गिरेगा, गुना कर देगा, फिर उठेगा, प्रभु तुम्हें माफ करेगा, तुम पछताएगा, तुम नहीं मांगेगा पाप करे. लेकिन एक और एक मसीह है, वो एवरी संडे चर्च जाए, सेल ग्रुप में जाए, सभाओं में जाए, कोट टाई पहने, बाइबल लेके चले, लेकिन पुराना जो जीवन है उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ, वही पाप का मजा लेता है, कोई चीज छोड़ता नहीं है, कोई गुना को वो नहीं नहीं बोलता है, सभी गुना का मजा लेता है, संडे को फिर चर्च में होता है. ना ऐसे लोग छूट जाएंगे. लेकिन वो मसीह जो स्ट्रगलिंग क्रिश्चियन है, वो प्रभु के राज में जाएगा. लेकिन इसलिए कोई स्ट्रगल कर रहा था और उससे गुनाहें हो रही थी, इसी कारण वो अपने जो काम है उसको लेके जाएगा. दूसरे रूप से यदि हम आपको समझाना चाहे, एक मसीह जाता है, लॉस्ट सोल को रीच आउट करता है, गॉस्पल प्रचार करता है, प्रभु का वचन प्रचार करता है, वो प्रार्थना करता है, आराधना करता है, स्तुति करता है, परमेश्वर की उपस्थिति में रहता है. और एक और मसीह है जो संडे के चर्च जाता है, कभी जाता है, कभी नहीं जाता है, और वो स्ट्रगल करता है अपने जीवन में, और उसके जीवन में लस्ट ऑफ द फ्लेश फिर भी जीवित है. वो फिर भी शारीरिक अभिलाषाओं को पूरी कर, वो करना नहीं चाहता, फिर भी अचानक से कर देता है. और वो मसीह जो एक दूसरे को क्रिटिसाइज करता है, इसको उंगली दिखाता है, उसको उंगली दिखाता है, भले उसको कितना उसको बतलाई जाए, वो उसको मालूम है ये पाप है, हमें नहीं करना, लेकिन फिर भी वो उससे ये गलतियां हो जाती है.
और वो मसीह जो प्रभु को वादा करता है कि प्रभु हमारी यह मुसीबत है, तुम्हारी मुसीबत दूर कर दे, हम पूरा चर्च बिल्डिंग पेंट कर देगा, चर्च पे हम पेंट लगा देगा, चर्च के हम साउंड सिस्टम दे दे, ये चीज डोनेट कर दे, वो चीज कर दे, प्रभु हमारा यह काम बन जाए। और परमेश्वर उसकी दुआ सुन के उसके प्रार्थना के जवाब दे देता है। लेकिन जब प्रभु उसके प्रार्थना का जवाब दे देता है, फिर वो भूल जाता है और जो वादा किया उसको पूरा नहीं करते हैं। वो मसीह जिसको परमेश्वर ने खूबी दिए हैं, जिसके अंदर में टैलेंट डाला है कि उसके राज के लिए कुछ ना कुछ करे, लेकिन उस टैलेंट को लेके वो बैठा है और प्रभु के लिए कुछ नहीं करता है। वो मसीह जो डिवीजन लेके आ जाता है लोगों के बीच में, ना ये प्रभु के लोग हैं, ये बाकी कुछ अच्छा करते हैं, पवित्र रास्ता में चलते हैं, लेकिन पूरी रूप से जीवन बदला नहीं, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं उनके जीवन में फेलियर है, तो अपने ये काम को लेके जाएंगे। तो एक हम देखे, एक गॉस्पेल प्रचार करता है, प्रभु के काम कर रहा है, एवेंजेलिज्म कर रहा है, रीच आउट कर रहा है, दूसरा किसी को क्रिटिसाइज कर रहा है, किसी को उंगली दिखा रहा है, कहीं पर डिविजन लेके आ रहा है। तो ये हमारी काम है, हम इन काम को लेके जाएंगे। तो वो मसीह का काम लकड़ी के समान है जो फिर भी गुनाह कर रहे हैं, उनका काम सूखे घास के समान है, सूखे गेहूं के समान है। तो बाइबल हमें कहती है उनका जो काम है, हम लोग का काम आग में डाला जाएगा और वो आग में सोना वैसा वैसा बना रहेगा, सिल्वा वैसा ही रहेगा और प्रेशियस स्टोन वैसा रहेगा, लेकिन जिसके लकड़ी के काम है और सूखे घास के काम है, सूखे गेहूं का सामान उनका काम है, वो सब जल जाएगा। तो उन लोगों को एक को ताज नहीं दिया जाएगा, लेकिन वे जो प्रभु के लिए काम करते आए हैं उनको परमेश्वर ताज देगा। वे लोग जिनको सोने का ताज, जिनको सिल्वर का ताज, प्रेशियस स्टोन का ताज दिया जाएगा, दोज हु आर ट्रू डिसाइपल ऑफ जीसस क्राइस्ट, और वे लोग जो प्रभु के सच्चे भक्त कहलाते हैं, और वे जो अपने स्पिरिचुअल लाइफ को मेंटेन करते आए हैं, दोज हु हैव मेंटेन देयर स्पिरिचुअल लाइफ जीते आए, शरीर में नहीं जीते आए, स्पिरिचुअल जीते आए हैं, वे रोज जो प्रार्थना करते हैं, रोज बाइबल पढ़ते हैं, रोज परमेश्वर की वर्शिप करते हैं, उसकी प्रेज करते हैं, उसके नाम को ऊंचे उठाते हैं, वे जो ईमानदारी के साथ में प्रभु की सेवा किए हैं, और वे जो हमेशा चर्च अटेंड करते हैं, क्यों वे हमेशा चर्च अटेंड करते हैं, क्योंकि वे भूखे हैं प्रभु के लिए, भूखे हैं इसलिए तो अटेंड करते हैं। कौन मिस करता है चर्च जिसके अंदर में प्रभु के लिए भूखी नहीं, वो उसको नहीं दिल करेगा हमेशा चर्च आए, लेकिन जिसके अंदर में भूख है वो रुके नहीं, टाइम से पहले चर्च में होता है, वो हमेशा सभाओं में आता है, और वो जो प्रभु के काम कुछ ना कुछ करता है प्रभु के राज के लिए। इन लोगों को सोने का ताज, सिल्वर का ताज और प्रेशियस स्टोन का ताज दिया जाएगा, लेकिन वे जो एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते हुए आए हैं, बाइबल कहती है इस रेस के अंतिम भाग एक बार आपके लिए फिर पढ़ो, बाइबल यह कहती है, बट ही हिमसेल्फ विल बी सेव्ड as if he had escaped through the fire, या दूसरे रूप से तुम नरक जाने ही वाला था अपने क्रिटिसिज्म के कारण, डिवीजन लाने का, तुम नरक जाने ही वाला था, या प्रभु के लिए कुछ नहीं करने के कारण तुम विनाश को जाने ही वाला था, लेकिन तुम जैसे आग में से कोई बच जाता है तुम बच गए, प्रभु ने तुम्हारे ऊपर फैवा दिखाया, क्योंकि जिंदगी भर तुम पश्चाताप करते आया, गलती को मानते आए, लेकिन वे छूट जाएंगे जो गलती को मानते ही नहीं, परवाह करते ही नहीं। तो मैं आज आपको आखिरी चीज ये बतलाना चाहूंगा कि स्वर्ग में जो हमें क्राउन मिलेगा, उस क्राउन के विषय में फर्स्ट कोरिंथियंस चैप्टर 9 वर्स 25 टू 27 में बाइबल कहती है विक्टर्स क्राउन मिलेगा, और फिर सेकंड तिमोथी 4:8 में बाइबल कहती है क्राउन ऑफ राइटियसनेस लोगों को मिलेगा, और फिर फर्स्ट थेसलोनियन
चैप्टर 2 वर्स 19 ये कहती है द क्राउन ऑफ रिजॉइसिंग या दूसरे रूप से सोल विनर्स क्राउन है, और जेम्स 1:12 में क्राउन ऑफ लाइफ है, फर्स्ट पीटर 5:4 में क्राउन ऑफ ग्लोरी, रिवेलेशन 4:4 में क्राउन ऑफ गोल्ड है, रिवेलेशन चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 में द ओवरकमर्स रिवॉर्ड है। ये सारी क्राउन सभी को वहां पे दिया जाएगा जो प्रभु के लिए कुछ ना कुछ करते आए हैं। तो मैं आज विश्वास करता हूं इस वचन से कि प्रभु ने आपको वहां कुछ सिखलाए है। अंत में मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि स्वर्ग में किसी के दांत नहीं गिराएगा, आपको डेंटिस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्वर्ग में आपके आई ग्लास पहनने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि सभी के आंख में ज्योति होगा, स्वर्ग में कोई मुंडा ना होगा, किसी के सर के बाहर शायद आपके मुंह के बाहर गिर गया है मुंडा है, आप खुशी मनाए कि जब आप स्वर्ग में जाएगा आपके बाल वापस जम जाएगा क्योंकि वहीं पे कोई गुंडा ना हो, कोई बीमार ना होगा, कोई के मौत ना होगा, कोई आंसू ना होगा। और स्त्री लोग के लिए मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि आपको कोई क्रीम की जरूरत नहीं पड़ेगी वहां पे अपने चेहरे पे लगाने के लिए क्योंकि बाइबल कहती है वहां पे किसी के चेहरे पे कोई दाग ना होगा, और सभी के शरीर महिमा से भरा होगा, ग्लोरी से भरा होगा। या यदि आप 70-80 ईयर्स का 100 ईयर्स का है और आज शायद आप लाठी लेके चलता हूं वहां कोई लाठी लेके नहीं चलेगा, और वहां जब जाएगा आपका उम्र 60-70-80 ईयर्स का है वो पीछे घट के 30s में आएगा, आपके उम्र 30s के उम्र की तरह होगा और उतने ही में सब रोज रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं वे लोग जो आज तैयार नहीं है आप तैयार हो जाए इस रक्षा में प्रभु के पास जाने के लिए, परमेश्वर के राज में प्रवेश करने के लिए। तो मैं विश्वास करता हूं कि इस वचन से आपने बहुत कुछ सीखा। आइए हम सब प्राप्त करें। स्वर्गीय शक्ति महान मेरे अब्बा पिता परमेश्वर, आज एक बार फिर तेरे चरणों में आए हैं यीशु मसीह के नाम से। प्रभु जी आज हम तुझसे दुआ करते हैं, तूने मुझे जो वचन दिया मैं आज लोगों के बीच में बांट दिया, मेरी दुआ है ये वचन आज सुनने वाले लोगों के हृदय में बस जाए और इस वचन के कारण प्रभु आज लोग अपने जीवन में पश्चाताप करें, अपने जीवन में जो मूर्ख है उसे फेंक दे, अपने जीवन में जो गुनाह है उसे फेंक दे क्योंकि रक्षा का समय हो चुका है और लोग तैयार हो ताकि एक भी व्यक्ति इस पृथ्वी में छूटने न पाए, सब के सब रक्षा में प्रभु तेरे राज में जाए और सभी को जीवन और मुक्ति मिल सके। पिताजी आज हर एक व्यक्ति जहां भी मेरी आवाज जा रही है उनके जीवन में मैं तेरी ताजी अभिषेकता को रिलीज करता हूं। प्रभु जी मैं दुआ करता हूं प्रभु ये अभिषेकता उन्हें छुए और उनको आशीष दे, उनके शरीर में आशीष दे, उनके तंदुरुस्ती में, उनके बल में, उसके बुद्धि में, उनके ज्ञानों में, उनके आत्मिक रूप से, शारीरिक रूप से, हर एक रूप से उन्हें आशीष की वर्षा मिले और आप से हर एक व्यक्ति तैयार करे अपने आप को रक्षा में तुझसे मिलने के लिए, अपने जीवन को पवित्र कर सके ताकि एक भी व्यक्ति छूटे नहीं, सब तेरे राज में प्रवेश कर सके। धन्यवाद देते हुए हर एक के जीवन में तेरे हाथ में अर्पण करता हूं। ये दुआ हम यीशु मसीह के नाम से तुझसे मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। तो मैं आज आपको बतलाना चाहूंगा नेक्स्ट वीक फिर हम आपसे बातें करेंगे इस 7 ईयर्स ट्रिब्युलेशन के विषय में और इस ट्रिब्युलेशन के बाद में क्या होगा, ट्रिब्युलेशन के भीतर क्या होगा और फिर सेकंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट क्या है और फिर हम यहाँ अंत में आते आते हम इटर्नल हेल में क्या होगा, कौन से लोग जाएंगे और कौन न्यू हेवन न्यू अर्थ या न्यू जेरूशलम में कैसे प्रवेश की जाएगी, इन सभी चीज की जानकारी मैं कोशिश करूंगा कि अगले सप्ताह में कंप्लीट कर सके। तो प्रभु आप सभी को आशीष दें।